वो तो आरक्षण मुक्त भारत करना चाहते हैं। कई बार उनके मुंह से बात उगली है, इसलिए आज ओबीसी तकलीफ में है, कल हो सकता है शेड्यूल कास्ट आएगा, शेड्यूल ट्राइब आएगा। अच्छा, गए कौन हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में? बीजेपी के लीडर गए, मध्य प्रदेश का भी आरक्षण गुल, अब कर्नाटक उसके पीछे आ रहा है, फिर गुजरात आएगा, यूपी आएगा, सब आएंगे, सब जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा। मेरे ओबीसी जो है देश के जो मंडल आयोग के वजह से हमको मिला था अधिकार हक, वो हक खत्म हो रहा है, वो हक खत्म हो रहा है। मैं बिल्कुल जो है जो आजकल जो बहुत चर्चा में जो विषय है उसके ऊपर बोलना चाहूँगा और कुछ फैक्ट्स भी जो है आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या क्या हुआ एक गए पहले पिछले 3 हफ्तों में, क्या हुआ कोर्ट में, क्या हुआ, कौन क्या बोला, और ये सारी बातें जो है मैं फैक्ट के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ, लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा मैं। एक है कि 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं करोगे तब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, और फिर पूरा हमने तो कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से कि ठीक है हम भाई करेंगे, जरा थोड़ा समय तो दे दो, या तो पहला पूरा इलेक्शन ठीक करो और हम एम्पिरिकल डाटा वगैरह जमा करते हैं। अब ये कैसी शुरुआत हुई, क्या हुई, ये कुछ 2010 में जो है कृष्णमूर्ति एक जजमेंट आया, उसमें कहा कि भाई ट्रिपल टेस्ट करो और फिर जो है तुम्हारा पॉलिटिकल आरक्षण आपको मिलेगा। ट्रिपल टेस्ट में क्या था, एससी एसटी उनके इनकी संख्या के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाए। बाद में जो भी आरक्षण ओबीसी को मिलेगा वो पूरा आरक्षण मिलकर 50% के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कभी 35% एससी और एसटी का आरक्षण होता है उनकी संख्या के मुताबिक तो 15% मिलेगा। नंदुरबार एक ऐसा जिला है हमारे यहाँ कि हमारे ओबीसी को 0% और कुछ जगह पर जो है एससी एसटी 10% है, फिर भी हमको मैक्सिमम 27% मिलेगा। अब कुछ चारा नहीं तो हमने कहा कि भाई ठीक है हम जो है आपको ये बात मान लेते हैं। दो बात, पहली बात तो ये कि एससी एसटी को उनके हिसाब से दे देंगे, जो बची खुचा है वो हम लोग ले लेंगे, 50% के ऊपर नहीं जाएंगे। एम्पिरिकल डाटा जो जमा करना है वो हमने कमीशन जो है उनकी नियुक्ति की है, थोड़ा समय दीजिए। कुछ नहीं हुआ, कहा कि नहीं मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ कि पहले तो सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में ये सांसद लोगों की जो है कमेटी बनी कि ओबीसी के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी के हालात बहुत बदतर है, उनको जो है जैसे एससी एसटी को पैसा मिलता है भारत सरकार से फंड्स, वैसे ही उनको देना चाहिए, मगर उनकी आबादी और मालूमात नहीं है तो सेंसस कमीशन जो है वो जमा करे। दूसरी एक कमेटी हुई मनमोहन सिंह इनकी अध्यक्षता में, शरद पवार थे, चिदंबरम थे और कई लोग थे, उन्होंने भी कहा कि उनको मदद फंड्स देना चाहिए मगर उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है तो उसको जमा करें। तो हम लोग महात्मा फुले समता परिषद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गए और हमने कहा कि 2011 से जो जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी का डाटा सब जमा करो, उनकी संख्या जमा करो और बताओ। हमने सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, साथ साथ मेरा भतीजा जो है समीर भुजबल वो सांसद था, तो मैंने कहा कि तुम जो है पार्लियामेंट में उसको उठाओ, पार्लियामेंट ने उसमें उठाया और कहा कि भाई ये जो 2011 से जो जनगणना हो रही है उसमें जो है हमको हमारी भी जनगणना होनी चाहिए। अब इसमें जो है
समता परिषद की ओर से हमने जो लीक हुआ पिटीशन किया था वो भी मेरे पास है। हमने सीधा कहा था कि हमारी जो है सारी मालूमात जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए। फिर उसके बाद 6/5/10 को जो है समीर भुजबल जी ने रखा कि ये होना चाहिए ओबीसी की जनगणना। बीजेपी के उपनेता थे सांसद पार्लियामेंट में गोपीनाथ राव मुंडे ने कहा कि ओबीसी की जाति गणना होनी चाहिए, गोपीनाथ राव मुंडे जी ने कहा। बाद में यह हुआ कि मुलायम सिंह यादव साहब ने कहा, मेरी आपके द्वारा गृह मंत्री जी से अपील है कि अपने बयान में संशोधन करके हम सभी लोग जो कह रहे हैं शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक और जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए। फिर आगे चल के दारा सिंह चौहान ने कहा कि हमारी पार्टी की मांग है जाति के साथ जनगणना होनी चाहिए। लालू प्रसाद जी भी वहाँ थे, उन्होंने बोला कि सब जातियों की जनगणना हो, हम जाति के आधार पर जनगणना कराना चाहते हैं, इसलिए जाति के साथ साथ सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक हालात को भी शामिल किया जाए। ये बार बार सभी लोगों ने वही बात कही और देवेगौड़ा साहब ने भी कहा, नामा रागेश्वर राव उन्होंने भी कहा कि 80 साल के बाद देश में जाति आधारित जनगणना के लिए सरकार अब एग्री करे तो अच्छी बात है। तो ये सब बातें चलती रही और फिर प्रणब मुखर्जी ने कहा, हाउस में आकर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सर सो फार एज द कास्ट बेस्ड सेंसस इज कंसर्न द होम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड व्हाइल द हाउस वॉज एडजर्न फॉर द टाइम बीइंग आई रिक्वेस्ट मिस्टर शरद यादव मुलायम सिंह यादव एंड एनी अदर हु इज इंटरेस्टेड दैट व्हाट इंग्रेडिएंट्स यू वांट टू बी पुट इन द फॉर्मेट फॉर विच द कास्ट सेंसस विल बी ऑपरेटेड काइंडली प्रिपेयर इट एंड हैंड इट ओवर टू अस एंड वी विल लुक इनटू दिस उन दोस एस्पेक्ट्स। तो उन्होंने भी जो है कहा कि भाई ठीक है हम करते हैं, तुमको क्या क्या चाहिए उसमें हमको बोल दीजिए। फिर 12 अगस्त 2010 को प्रणब मुखर्जी साहब ने फिर से कहा, द डिसीजन टेकन बाय द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इज दैट कास्ट विल बी कैनवास्ड इन द सेंसस विदाउट अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द हेड काउंट, उन्होंने भी कहा बार बार। आप इतना होने के बाद हुआ क्या, सेंसस कमीशन के ओर से जाति गणना नहीं हुई, उसके लिए उन्होंने ग्राम विकास और नगर विकास इनके माध्यम से डाटा जमा किया। 2016 में डाटा मोदी साहब के गवर्नमेंट के पास आया, उन्होंने कहा कि अच्छा, जेटली साहब ने एक दिन कहा कि डाटा आया है, लोग बहुत गरीब है ओबीसी के उनको देना चाहना घर बार आरोग्य शिक्षा सबके सब में पीछे है, देना चाहिए, उन्होंने आंकड़ा नहीं बताया। फिर उन्होंने कुछ किसी ने कहा कि उसमें गलतियां हैं, पनघड़िया कमेटी नियुक्ति की गई कि भाई ये उसमें जो त्रुटियां हैं दूर करे। पनघड़िया कमेटी में 5 सदस्य जो है देने थे, 5 साल तक दिए नहीं, पनघड़िया इस्तीफा देकर चले गए। 2017 में महाराष्ट्र से एक शख्स जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और कहा कि अभी ट्रिपल टेस्ट नहीं हुई है तो इसके लिए आरक्षण कैंसिल करा, केस चली। फडणवीस साहब हमारे मुख्यमंत्री 2 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। जब इलेक्शन आया 2019-20 का तो एक अध्यादेश जो है एक निकाला ऑर्डिनेंस, और फिर उनके ध्यान में आया कि एम्पिरिकल डाटा नहीं है, फिर उन्होंने डाटा मांगा, नीति आयोग से मांगा, सोशल जस्टिस से मांगा, हमारे दूसरे पंकजा मुंडे मिनिस्टर थी उन्होंने मांगा, कहीं भी उन्होंने नहीं कहा और कुछ, सिर्फ इतना ही कहा कि उसमें त्रुटियां हैं हम नहीं दे सकते, हमारी गवर्नमेंट आए उद्धव ठाकरे नेतृत्व में, हमने डाटा मांगा कि भाई डाटा दे दो, नहीं दिया। हम सुप्रीम कोर्ट में गए,
दो केसेस हुई सुप्रीम कोर्ट में, हाल ही हम सुप्रीम कोर्ट में गए और हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को कह दे कि वो जो इंपीरिकल डाटा उनके पास जमा है वो रखने के लिए नहीं, हमने मांग की थी इसलिए दिया है, ये हमने सब आपको जो भाषण पढ़ा है वो दे दो, हमको सारे राज्यों को दे दो ताकि ओबीसी का आरक्षण ठीक ठाक रहे, कायम रहे। हमें क्या मांग? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं उसमें जो है काफी गलतियां है। तो हमारे जो वकील थे एमपी विल्सन साहब थे, मुकुल रोडगी थे, कपिल सिब्बल थे, नाफड़े जी थे, किशन दवे थे, बहुत सारे, उन्होंने बताया ये देखिए तुम्हारा स्टैंडिंग कमेटी का, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का ये सारा मिनिस्ट देखो, उसमें सीधा लिखा है कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज इन्फॉर्म्ड दैट द डाटा हैज बीन एग्जामिन एंड 98.87% मतलब करीबन 99% डाटा ऑन इंडिविजुअल्स कास्ट एंड रिलीजन इज एरर फ्री, मतलब उसमें कोई गलती ना, 99% डाटा सही है ये कहा। अब बाजी पलट गई, कोर्ट अर्जेंट हुआ, दूसरे दिन भारत सरकार ने दूसरा एफिडेविट कर दिया कि हाँ वो डाटा तो है मगर वो ओबीसी का नहीं है। तो हमारे लोगों ने बोला भाई क्या नहीं वो सोशियो इकोनॉमिक डाटा है, तो हमारे वकील में आगे पढ़ो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECS, और तुमने जो फॉर्म जो बनाया था ये फॉर्म है जिसमें लास्ट में लिखा है कास्ट, तो आप कैसे कहते हैं कि भाई ये ओबीसी का डाटा नहीं है? तो उन्होंने कहा भाई ये नहीं है डाटा ओबीसी का। अब कोर्ट ने कहा भी अब हम क्या करें, वो कहते हैं ओबीसी का डाटा है तो नहीं है, हम क्या करें? तो एक केस वहां गई हमारी, दूसरी केस हमने कहा कि हमको समय दीजिए, हालांकि जनगणना करना ये राज्य की बात नहीं है, ये काम जो है पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उनके हिस्से में काम आता बंटवारा जो है कामों का जनगणना उनके हिस्से में, फिर भी हमने कहा कि हमको समय दे दो, उन्होंने कहा नहीं। अच्छा इसके लिए ये हमने अध्यादेश जो निकाला उसमें कहा कि हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उनके हिसाब से जगह देते हैं, 50% के ऊपर नहीं जाते हैं, आयोग हमने निर्माण किया है थोड़ा उनको अवधि दे दो काम, कोरोना शुरू है, 2021 की जनगणना भारत सरकार को करनी थी वो उन्होंने नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोरोना शुरू है, और तुम हमको कहते हैं कि तुमने जनगणना क्यों नहीं की, अबे कोरोना में कौन किसके घर जाएगा और ये सब जमा करेगा डाटा जब तुम नहीं कर पा रहे। हमने कहा हमको समय दो, समय नहीं मिला, और हमारा इलेक्शन जो अभी कल ही हुआ वो उसमें आरक्षण नहीं, सब जो है हमारी सीटें थी ओबीसी की वो जनरल कर दी, ये हालात है। अब क्या करें, ये हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि एक तो भारत सरकार ने जब ये ओबीसी डाटा था उसके बावजूद अब अभी तक नहीं कहा, फडणवीस ने भी डाटा मांगा मुख्यमंत्री था तभी भी नहीं कहा, हमने मांगा तभी भी नहीं कहा, कोर्ट में लास्ट में कह दिया कि ओबीसी का डाटा नहीं है, भारत सरकार ने पलटी मार दी। मैं चाहूंगा जो भी सांसद है उनसे वो पूछे कि आपने तो ये किया कैसे बोल दिया कोर्ट में, आप सांसद में संसद में एक बात करते हैं कोर्ट में दूसरी बात करते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा। अच्छा गए कौन हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में? बीजेपी के लीडर गए जो महाराष्ट्र से, धुलिया से है, बीजेपी के लीडर हमारे खिलाफ जाएंगे, हमारे अध्यादेश के खिलाफ जाएंगे, दूसरी तरफ से भारत सरकार हमको डाटा नहीं देंगी, और फिर जो है हमारा आरक्षण खत्म कर दिया। मैं कहूंगा वो तो शायद हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार को जो है गड्ढे में डालने के लिए तकलीफ में लाने के लिए कई बातें होती है, तो और एक बात की उन्होंने, मगर हालत यह हुआ कि मध्य प्रदेश की भी जो केस वही आई, तो कोर्ट ने कहा अब क्या करें,
जो महाराष्ट्र को दिया है जजमेंट, वही जजमेंट तुमको मध्य प्रदेश का भी आरक्षण कुल। अब कर्नाटक उसके पीछे आ रहा है, फिर गुजरात आएगा, यूपी आएगा, सब आएंगे, सब जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा। मुझे इसमें आनंद नहीं है कि कर्नाटक बीजेपी का है या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे ओबीसी जो है देश के जो मंडल आयोग के वजह से हमको मिला था अधिकार हक, वो हक खत्म हो रहा है, वो हक खत्म हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि मांग तो यही होनी चाहिए कि 2021 की जो जनगणना आप कर रहे हैं उसमें ओबीसी की जाति गणना करनी चाहिए, किसी भी हालत में वो हमको मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को संविधान का समर्थन है पूरा, वैसे ही ओबीसी का आरक्षण जो है संविधानात्मक हो, क्योंकि हम 54% है, उसके बावजूद हाफ 20% हमको आरक्षण मिला। और जब से आरक्षण मिला 30 सालों से मैं कोर्ट के चक्कर में, कुछ भी हम देंगे, आपकी संख्या कितनी है, चलो कोर्ट बाजी शुरू, सुप्रीम कोर्ट तक कुछ भी हम देंगे, कोर्ट बाजी शुरू। इसलिए उसको संविधान में जो उसको शामिल किया जाए, हमारी जनगणना की जाए। और ओबीसी देखिए, ये बीजेपी का मैं तो पॉलिटिक्स नहीं बोलना चाहूं, मगर ये पहले से ही उनके कथनी और करने में काफी फर्क है। वो तो आरक्षण मुक्त भारत करना चाहते हैं, कई बार उनके मुंह से बात उबली है। इसके आज ओबीसी तकलीफ में है, कल हो सकता है शेड्यूल कास्ट आएगा, शेड्यूल ट्राइब आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब लोग एक साथ आवाज उठाए और हमारे आरक्षण को हम बरकरार रखें, ठीक ठाक रखें। कल रात को लेट बहुत एक उन्होंने कुछ मीडिया में छपा दिया कि हम कुछ कर रहे हैं। भाई कब कर रहे हैं, जब इलेक्शन होकर जाएगा, 5 साल तक ओबीसी जो है इस पॉलिटिकल आरक्षण के दायरे के बाहर रहेगा, तो कब करेंगे? करना है तो तुरंत करो। और जिनका भी आरक्षण जहां 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 इलेक्शन हो रहा है, वो आरक्षण कैसे साबित रहे, ठीक ठाक रहे, उसके लिए वो काम करे, तुरंत निर्णय ले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो रुकने वाला नहीं है। कानून से जो है समय खत्म हो गया, इलेक्शन होगा और सारे इलेक्शन जो है ओबीसी के बिना हो गए, हमारा आरक्षण चला जाएगा, फिर एक बार पॉलिटिकल जाएगा, फिर शैक्षणिक जाएगा, फिर नौकरियों का जाएगा, सब खत्म हो गया। तो इसलिए मैं सबसे जो यही प्रार्थना करूंगा, काफी बड़े बड़े लोग हैं, सांसद है यहाँ, आप सब लोग एक होकर जो है, अब पता नहीं ये सांसद अधिवेशन तो खत्म होने को आया है, मगर फिर भी है, हम देश भर में अगर आवाज, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ नेशनल ओबीसी कॉन्क्लेव आपने दिल्ली में किया है, आप सब लोग अपने अपने राज्यों में जाकर इसके खिलाफ आवाज उठाए, लोगों को जागरूक करें और ओबीसी को कहो कि आप खड़े हो जाओ, जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप चिल्लाएंगे नहीं, रास्ते पर आएंगे नहीं, तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। एक के बाद एक दबाते जाएंगे और हम लोगों को वो खत्म कर देंगे। इस चंद लोगों के साथ मैं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।